नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज हम फिर अपने बज़्मे नातो अदब FGNA यूट्यूब चैनल पर आपसे रूबरू हैं। हिंदुस्तान के वो अजीम शायर जिनको दुनियाए अदब में हनीफ साबरी साहब के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जो कि गज़ल की दुनिया में भी और नातिया दुनिया में भी अपना एक अलग मकाम, एक अलग शिनाख्त रखते हैं। आज हम आपकी मुलाकात शोरा की फहरिस्त में उस अजीम शायर से करवाएंगे जिनको दुनिया हनीफ साबरी साहब के नाम से जानती है और पहचानती है। हजरत, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। तो उन्हीं के शेर के साथ आज उनके इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। खिरद ने बढ़ के वहीं लाजवाब लिखा है, खिरद ने पढ़ के वहीं लाजवाब लिखा है, जहाँ जहाँ पा रिसालत माब लिखा है, जहाँ जहाँ पे रिसालत माब लिखा है। आइए आपकी मुलाकात उस अजीम शायर से करवाएं जिसने नातिया दुनिया में और गज़ल की दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया। हजरत, अपना तारुफ पेश करवाएंगे हमारे नाज़रीन को। अयाज़ मियाँ, हमारा नाम जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद हनीफ है और साबरी मेरी नस्बत है जी। उस सरकार मखदूम दो जहाँ सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियती रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस खान माते में उस सिलसिले में हमें शामिल फरमा दिया है जी, ये मेरी शिनाख्त है जी माशाल्लाह। और चूँकि अदब की दुनिया में हनीफ साबरी के नाम से हमको लोग जानते हैं जी, मेरा ताल्लुक सरजमीन कानपुर से ही है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मिल्ली समाजी और सियासी तौर पर शहर में होने वाले या प्रदेश में होने वाले सूबे में जी जी जो भी मामलात होते हैं उनमें अल्लाह ताला की तौफीक रफीक से जी हम हिस्सा लेते रहते हैं माशाल्लाह जी। तो हजरत, आपकी पैदाइश भी यही कानीपुर की, विलादत कब कब हुई? ये 1958 की मेरी पैदाइश है जी। डेट ऑफ बर्थ आपकी? हाँ, 21 मई 1958 जी माशाल्लाह। तो हजरत, इब्तदाई तालीम आपने कहाँ कहाँ से इब्तदाई तालीम, क्या क्वालिफिकेशन रही आपकी? क्वालिफिकेशन मेरी ये है कि इब्तदाई तालीम तो मेरी मदरसे में रही जी, फिर बाद सिद्दीक़ फैज़ आम प्राइमरी स्कूल में 5th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ जी। वहीं से इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी से किया जी, MA इन उर्दू जी जी माशाल्लाह। ये है अच्छा, उर्दू से ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया जी माशाल्लाह जी। तो हजरत, अपने अहले खाना का तारुफ पेश करवाएंगे नाज़रीन जी। मेरे वालिद बुजुर्गवार जनाब अब्दुल गफूर साहब कमला रहमतुल्लाह अलैह बहुत बावकार शख्सियत थी। उनका, मेरे वालदेन का बड़ा एहसान अजीम मेरे ऊपर जिस अंदाज में उन्होंने मेरी तरबियत फरमाई जी, बहुत मेहनत कश और बड़ी मोहब्बत करने वाले, और उन्हीं से और मेरे वालिदा मोहतरमा की वजह से हमको ये अदबी ज़ौक और मजहबी ज़ौक उन्हीं से हमको वालदैन की जानिब से ही अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत ऐसी रही कि मतलब अदब और खिदमत से समाज तारीख इस्लाम को पढ़ने का वालिद साहब को बड़ा शौक था उन्हीं के एतबार से। तो हजरत, आपके कुछ मखसूस असातिज़ा इकराम कौन कौन रहे? आपके असातिज़ा उनका नाम? मेरे उस्ताद मोहतरम गज़ल की दुनिया में, शायरी की दुनिया में हजरत हसीब मखमूम प्रतापगढ़ी जी, दादा उस्ताद जनाब नाजिश प्रतापगढ़ी, पर दादा उस्ताद अल्लामा सीमा मकबराबादी जी माशाल्लाह, उनके उस्ताद अल्लामा दाग दहलवी माशाल्लाह। समझे कि ये है सिलसिला शायरी जी जो उनसे हासिल हुआ इन्हीं बुज़ुर्गों, और उनका शहर कानपुर में या पूरे सूबे में जो भी अहले इल्म में हमारे बड़े उनके हमेशा जो है उनकी खिदमत में हाजिर रहना जी, उनसे जी, हासिल करना। आज भी तालिब इल्म हूँ और हासिल कर रहा हूँ माशाल्लाह से। तो हजरत, हर अदीब साहब, हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे लम्हात, कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं जो हमेशा के लिए जहन नशीन हो जाते हैं। कुछ खुशी के लम्हात होते हैं, कुछ गम के लम्हात होते हैं।
तो अपनी ज़िंदगी के कुछ यादगार लम्हात नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे। हाँ, ये एक लम्हा ज़रूर मैं कि मुझे पता भी नहीं था, मुझे असातज़ा के बहुत से अशार ज़बानी याद थे जी। कई अहबाब ने मुझसे कई बार कहा कि आप शेर कहा करें, मैंने कहा नहीं भाई, शेर मैं कैसे कह सकता हूँ जी, इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। एक रोज़ रात में सोया हुआ था कि अचानक एक मिसरा निकल गया बड़ा दुआइया जी, और उसमें नज़्म हो गई माशाल्लाह। और मेरी पहली सामे मेरी वालिदा मोहतरमा थी, उनको जगा के मैंने उसी वक्त सुनाया अच्छा। कि अम्मा ये अशार हो गए। अरे वाह, बड़ी खुश हुई है, उन्होंने बड़ी दुआओं से नवाजा जी कि अल्लाह ताला बरकतें फरमाए तुम्हारे इल्म में। और दूसरा मामला ये कि समाजी तौर पे हम 1998 में जी हम यहाँ से कॉर्पोरेटर मुंतखब हुए जी माशाल्लाह। हाँ, कॉर्पोरेटर भी रहे आप अपने जी में। तो ये लम्हा चूँकि हमारे वालिद साहब एक मजदूर शख्सियत थे जी, तो उनसे जब पूछा अब्बा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनका अरे भैया इलेक्शन हम लोगों के लिए थोड़ी होता है, सब लोगों के लिए। तो मेरी वालिदा ने हमेशा हमारी पजीराई फरमाई और उन्होंने हमेशा ये कहा कि हिम्मत और हौसला कि नहीं बेटा आप लड़ना चाहो लड़ो। तो मेरे अगेंस्ट उस वक्त 52 कैंडिडेट थे। अरे 52 कैंडिडेट। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी है कि 52 कैंडिडेट पोजीशन में हो और उसमें जीतना। तो उसमें सब अल्लाह पाक की इनायत है, मेरे वालिदैन की मोहब्बत की दुआएं हैं, आवाम का भरपूर ताउन हमको मिला। और चूंकि हमने हमेशा मिली सियासत की जी, और कुछ आपका मिजाज भी था, इखलाक आपका इतना आला था कि मतलब हर आदमी आपसे मोहब्बत और उल्फत नहीं, ये उनकी मोहब्बतें थी, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, ये उनकी मोहब्बतें, आप लोगों की मोहब्बतें हैं। आप इज्जत से नवाजते, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल करम है, हम बुजुर्गान दीन की इनायात है उसी एतबार से। तो हजरत आपकी अदबी खिदमत क्या क्या रही, आपने अपनी शेरी ज़िंदगी में क्या क्या खिदमत अंजाम दी, और अपने मजमूए कलाम जिनका शाया को कौन कौन से मजमूए कलाम जी आपके कब कब शाया हुए, उसके बारे में कुछ नाज़रीन अभी तक कोई मजमूए कलाम शाया नहीं हुआ मेरा जी, ज़ेर तरतीब है अच्छा। शऊर आगही के नाम से इंशाल्लाह देखेंगे आएंगे जी इंशाल्लाह। और जो अदबी रसायल हैं, अखबारात हैं, उनमें हमारा कलाम छपता रहा है, रेडियो स्टेशन या टेलीविज़न पे, दूरदर्शन वगैरह पे जहाँ बुलाया गया। चूँकि हमने इसको शायरी को रोज़ी रोटी का ज़रिया नहीं बनाया, नहीं बनाया जी। अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए जी। और अदबी खिदमत के हवाले से अपना फ़र्ज मनसबी समझते हुए, नसर के हवाले से हो चाहे नज़्म के हवाले से हो, यही करते रहते हैं बस। यही खिदमत है कि अपना काम करके अलग से जो करें वही तो खिदमत होती है। और सियासत में भी ये कहा कि अपनी मैं काम करता रहा, मैं उर्दू टीचर भी रहा तकरीबन जूनियर हाई स्कूल में जी माशाल्लाह, और 7 साल मैंने पढ़ाया भी, लेकिन वालदैन हमारे बहुत बीमार रहते थे और मैं बहुत दूर चूँकि जाता था पढ़ाने के लिए। तो फिर ये हुआ कि वालदैन की खिदमत नहीं हो सकी, तो मेरे जहन में आई बात कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला है, इज्जत है, और फिर वो सर्विस हमने छोड़ दी, गए टीचिंग जॉब छोड़ दिया। हाँ, लेकिन और पे अल्लाह पाक ने जो है फिर बिजनेस की तरफ, हाँ बिजनेस की तरफ रहे जी। तो हजरत हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक प्रेरणा स्रोत होता है, आइडियल शख्सियत होती है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं और सुन्नी हैं, आस्थाने से सिलसिले से वाबस्ता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो हमारा मरकज़ अकीदत है वहाँ के बुजुर्गाने दीन ही हमारी आइडियल होती है। लेकिन एक ज़िंदगी में दुनिया में भी कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है जिससे हम बहुत मुतासिर होते हैं, जिसके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो कोई आपकी आइडियल शख्सियत रही आपकी लाइफ में? मेरे लिए आइडियल शख्सियत जो है सिर्फ मेरी वालिदा मोहतरमा, मेरे वालिद मोहतरमा माशाल्लाह जी, आका अलैहिस्सलाम के बाद और इन बुजुर्गाने दीन के बाद जो भी हैं, मेरी वालिदा हैं, मेरे वालिद मोहतरम हैं। मैं जब इलेक्शन के बाद हम वालिद साहब से पूछा क्या किया जाए, तो मेरे साथ एक तारीखी वाक़ा भी हो, जिस वक्त मैं कॉर्पोरेटर चुना गया तो उस वक्त कॉर्पोरेटर ही मेयर को चुनते थे। अच्छा जी। तो मेरे ज़मीर ने गवारा के वालिद साहब से पूछा कि क्या किया जाए, तो वालिद साहब ने कहा माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जो फैसला लेना
बेहतर लोग हैं इंशाल्लाह। बस इतना ख्याल रखना कि तुम्हारी रगों में एक मेहनत कश बाप का खून दौड़ा है, इस बात का लिहाज रखना। तो हम वाहिद आदमी थे जिसने अपना वोट नहीं कास्ट किया था। अच्छा, पूरे वोट बिकते थे हमें। हाँ जी जी जी। तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के अखबार ने सबने लिखा कि एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा कारपोरेटर है साबरी जिसने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। बेकनगंज बेरी के चौराहे पे जश्न ईमानदारी के नाम से आप जैसे मुखलिसीन ने मुहिबीन ने एक जलसा किया और हमें सिक्कों से तौला। माशाल्लाह। तो फिर हमने कहा ये भी तारीख हमें जो है एक नया वर्क रकम हुआ जी, हाँ ये कि मतलब जब सब लोग बिक रहे हैं उस माहौल में हाँ, बस वो वाहिद ऐसा जो अमीर आगा गजलबाज का एक शेर मुझे उस वक्त याद आ गया था कि वो सरफिरी हवा थी संभलना पड़ा मुझे। वो सरफिरी हवा थी संभलना पड़ा मुझे, संभलना पड़ा मुझे, और मैं आखिरी चिराग था जलना पड़ा। वाह वाह वाह, मैं आखिरी चिराग। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काम करा लिया तो उसका मुझे नतीजा बड़ा अच्छा। हमने कहा भैया तोलना उलना तो नहीं, तो खैर हमको थैली दे दी गई थी। हाँ, एक स्कूटर एक साथ में दी थी चलने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसा अर्ज किया शुरू में कि अल्लाह रजा के वो बस अच्छी हो, नियत पे इखलास हो, बस यही तो मिन जानिब अल्लाह मदद होती है, बस यही। तो हजरत हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को आप अल्हम्दुलिल्लाह नातिया शायरी की दुनिया में भी एक अपना अलग मुकाम और आपका अंदाज भी एक अलग है। हम लोग भी आपके इस तरह से फैनी है, आपकी शायरी आपका लहजा बिल्कुल अलग एक मुकाम रखता है। तो हमारे नाज़रीन को हाँ, शरीफ के कुछ अशआर ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात होगी। आका अलैहिस्सलाम की इनायत थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह फजल व करम है कि अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ कहला लेता। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। आमीन। जैसा आपको हुक्म में नात पाक के अशआर हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाइएगा जी। अता हो यूँ अर्ज किया, मतला के दिमागो दिल का जहाँ नक्शे पास रोशन है। दिमागो दिल का जहाँ नक्शे पास रोशन है, दिमागो दिल का जहाँ नक्शे पास रोशन है, मकान याद हबीब खुदा से रोशन। वाह वाह वाह, मकान याद हबीब खुदा। दिमागो दिल का जहाँ नक्शे पास रोशन है, मकान याद हबीब खुदा से रोशन है। सियाह रह के आदमी शेर देखिएगा, सियाह रह के उजालों की भीख देता है। सियाह रह के उजालों की भीख, सियाह रह के उजालों की भीख देता है, जो संग पारा लबे मुस्तफ़ा से रोशन है। वाह वाह वाह, जो सियाह रह के मुस्तफ़ा से रोशन है। वाह, उजालों की भीख देता है, उजालों की भीख देता है, जो संग पारा लबे मुस्तफ़ा से रोशन है। यूँ ही नहीं है उजाला तमाम आलम में, यूँ ही नहीं है उजाला तमाम आलम में, यूँ ही नहीं है उजाला तमाम आलम में, ये कायनात चिराग़े हेरा से रोशन है। वाह वाह वाह, ये यूँ ही नहीं है हेरा से रोशन है, उजाला तमाम आलम में। अच्छी वाक्य करी, बहुत अच्छी। कायनात चिराग़े हेरा से रोशन है। उस शेर हाजिर कर रहा हूँ कि खिला है लब पे गुले ला इलाहा इल्लल्लाह, खिला है लब पे गुले ला, खिला है लब पे गुले ला इलाहा इल्लल्लाह, फजा तमाम बिलाली सदा से रोशन है। वाह वाह वाह, खिला है लब पे गुले ला इलाहा इल्लल्लाह से रोशन है। वाह, फजा तमाम बिलाली सदा से रोशन है, और तमाम नूर है सदका जमाले सरवर का, तमाम नूर है सदका जमाले सरवर का, सवाद शहर रुखे मुस्तफ़ा से रोशन। वाह वाह वाह, सवाद शहर, सवाद शहर रुखे मुस्तफ़ा से रोशन है। सुभान अल्लाह, तमाम नूर है सदका जमाल सरवर का। वाह वाह वाह, सवाद शहर रुखे मुस्तफ़ा से रोशन है। और भी शेर देखिए, ये अल्लाह की अता है कि सवाद शहर रुखे मुस्तफ़ा से रोशन है, जो चल रही है बनामे नसीम तैबा में, जो चल रही है बनामे, जो चल रही है तैबा में, बनामे नसीम तैबा में, चरागे फिक्र मेरा उस हवा से रोशन है। वाह वाह वाह, चल रही है उस हवा से रोशन, बनामे नसीम तैबा में, बहुत अच्छा शेर कहा। चरागे फिक्र मेरा उस हवा से रोशन है,
और शेर मतमक्ता हाजिर कर रहा हूँ कि चरागे इश्क़े रिसालत माँ यूं ही नहीं, चरागे इश्क़े रिसालत माँ यूं ही नहीं, हनीफ साबरी फजले खुदा से रोशन है। वाह वाह बेशक हक है। चरागे इश्क़े रिसालत माँ यूं ही नहीं, हनीफ साबरी फजले खुदा से रोशन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक कलाम हजरत और पढ़ाई। अच्छा जैसा हुक्म हो मेरे लिए तो बड़ी सब नाजरीन के लिए आप लोग कीमती हजरात हैं। अब ये इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे पड़ जाएगा, सो कयामत तक दुनिया देखेगी जब तक कायम रहेगा। मतलब हाजिर कर रहा हूँ कि यही नहीं कि वही साहिब जमाल आया, यही नहीं कि वही साहिब जमाल आया, मिसाल जिसकी नहीं है वो बेमिसाल आया। वाह 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 मिसाल यही नहीं है कि वही साहिब जमाल आया, वाह 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 मिसाल जिसकी नहीं है वो बेमिसाल आया। और दुरूद पढ़ते हैं अब तक वहाँ के शामो सहर, दुरूद पढ़ते हैं अब तक, दुरूद पढ़ते हैं अब तक वहाँ के शामो सहर, मैं रंग नाते नबी के जहाँ उछाल आया। वाह 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 दुरूद पढ़ते हैं जहाँ उछाल अब तक वहाँ के शामो सहर, बहुत अच्छा, मैं रंग नाते नबी के जहाँ उछाल आया। कोई भी शेर देखेगा, समातों को भी मेराज हो गई हासिल, समातों को भी मेराज हो गई हासिल, फजा में गूंजता जब नगमे बिलाल आया। वाह 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 फजा में समातों को भी नगमे बिलाल आया। वाह मेराज हो गई हासिल, फजा में गूंजता जब नगमे बिलाल आया, उन्हीं के नक्शे कफे पाकी बरकतें हैं तमाम, उन्हीं के नक्शे कफे उन्हीं के नक्शे कफे पाकी बरकतें हैं तमाम, यूं ही कहां मैं सरे जीने कमाल आया। वाह 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 उन्हीं के नक्शे कफे पाकी बरकतें हैं तमाम, यूं ही कहां मैं सरे जीने कमाल आया, और नबी के लुत्फ व करम ने बचा लिया मुझको, नबी के लुत्फ व करम ने बचा लिया मुझको, मेरी निजात का जब हश्र में सवाल आया। वाह वाह बहुत नबी के लुत्फ व करम ने बचा लिया मुझको, मेरी निजात का जब हश्र में सवाल आया। हजरत आला शेर पढ़िए, बहुत नबी के लुत्फ व करम ने बचा लिया मुझको, मेरी निजात का जब हश्र में सवाल आया, मेरी निजात का जब हश्र में सवाल आया, और न जाने कितने मसाइब में गिर गया था हनीफ, न जाने कितने मसाइब में गिर गया था हनीफ, करम है उनका कि मैं बच के बाल बाल आया। वाह 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 न जाने कितने मसाइब में गिर गया था हनीफ, करम है उनका करम है कि मैं बच के बाल बाल आया। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छे कलाम आपने सुनाए। तो हजरत अब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे शायर और अदीब भी हैं, तो हमारे इस चैनल बज़्म नातो अदब FGNA के ज़रिए से हमारे देशवासियों को, हमारे समाज को, कौम व मिल्लत को और अपनी जमात के शोरा उदबा को कुछ पैगाम देना चाहेंगे। देखिए फैज़ान गरीब नवाज एसोसिएशन, मैं समझता हूँ कि जिस सलीके से और जिस मोहब्बत और खलूस के साथ अब का रहनुमाया अंजाम दे रही है, वो ये इसका नाम ही जो है इसमें बामुसम्मा है, ये जमात जी सरकार गरीब नवाज का फैज़ान जो है, नहीं है बेशक उनका फैज़ान। आप जिस अंदाज में, जिस मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ ज़बान व अदब की खिदमत कर रहे हैं नातो अदब के हवाले से, और फैज़ा एसोसिएशन आपकी जिस सलीके से काम कर रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। आपका ये काम, एसोसिएशन का ये काम काबिल दाद ही नहीं बल्कि काबिल तकलीद भी है। मोहब्बत है हज़रत, मैं चाहता हूँ और हम शुआरा इकराम के अपने साथियों के हवाले से, हमने हमेशा बामकसद शायरी करना चाहिए जी। अपनी मिल्ली इनफरादियत, अपना मजहबी तशख़्स, उस एतबार से हमको रहना चाहिए। और अगर इस हमारा तशख़्स ही नहीं रहा जी, तो हमारी कोई हैसियत नहीं है। बेशक तो बस यही मेरा पैगाम है। हम चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले हमें
इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद हमारे भाइयों को और फरमाए। तो हज़रत आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कौमी मिल्ली और अदबी खिदमात के एतराफ़ में हम आपको अपनी एसोसिएशन फैज़ान गरीब नवाज एसोसिएशन और उसकी अदबी यूनिट मज़मे नातो अदब कानपुर और हमारे चैनल मज़मे नातो अदब FGNA की जानिब से सर्टिफिकेट देकर एजाज़ से नवाजा जाएगा। अरे साहब ये मोहब्बत है आप। नाज़रीन इकराम, ये थे हनीफ साबरी साहब जिनको आपने सुना और उनके नातिया कलाम से भी महज़ूज़ हुए। और इंशाअल्लाह इसी तरह से हम आपकी दीगर उल्मा शोरा उदबा मशायख से अपने चैनल बज़्मे नातो अदब FGNA की जानिब से मुलाकात करवाते रहेंगे। हज़रत आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह हम फिर इसी उम्मीद इसी यकीन के साथ मिलेंगे। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ फारसी के साथ अयाज़ अहमद चिश्ती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।